देखिए, कितना नारा तो प्रचार वो करता है। कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए दिया गया था, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों पर जो भरोसा किया था इसलिए दिया गया था। अरुण साहू अब आए हैं, देखते हैं, 2 महीने तो हुए अभी, कितने महीने चल पाते हैं, कितने महीने चला पाते हैं, उनका पद कितने दिन का है, अभी तो कुछ दिनों में पता लगेगा। अभी तो ये लोकसभा के चुनाव है इसलिए सब चुप है। अब तो हम लोग जब चिल्लाएंगे चुनाव के बाद कि आज की राजनीति में मंत्री लोग होटल में बैठ के वही कर रहे हैं, ये मुझे नहीं कहना चाहिए, मगर मैं कह रहा हूँ किस टाइप का वही, थोड़ा बता दीजिए किस टाइप का, आप सब जानते हो। कौन मंत्री है चुनाव, ये चुनाव ये बात नहीं हो रही है, बाहर बता दूंगा। जिस ढंग से भ्रष्टाचार शुरू हो गया है, जिस ढंग से मुख्यमंत्री बनने से पहले अडानी की कटाई शुरू हो गई है, जिस ढंग से अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए और बड़े बड़े जंगल दिए जा रहे हैं, खदाने दिए जा रहे हैं, जिस ढंग से आपने जिंदल को बेवकूफ बना के अपने पार्टी में संलग्न कर लिया है, शामिल कर लिया, बेवकूफ बन सकते हैं, बन सकते हैं, उनकी माँ को तो नहीं कह सकता, उनकी माँ दबाव में गई होगी, मगर जिंदल जैसा बेवकूफ आदमी इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। अभी तो माहौल बना नहीं है, माहौल तो अभी बनेगा जब ये लोग फॉर्म भर लेंगे उसके बाद। अभी तक ऐसा होता था कि चुनाव की घोषणा होती थी, फार्म भरे जाते थे, फिर माहौल बनाते हैं। माहौल हम लोग बनाएंगे चुनाव में आने के बाद। जो सांसद थे वो खामोश थे, अब जनता उन्हें सबक सिखाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। अच्छा कहा है उन्होंने, अगर उनको पता होता कि मेरी धर्म पत्नी ने क्या किया है, वो तो दुर्ग के रहने वाले, उनको तो दिल्ली के बारे में कुछ पता नहीं, मैं यहाँ क्या करता हूँ, मेरी बीवी क्या करती है, हमारे कार्यकर्ता क्या करते हैं, वो तो पूछ पूछ के सीख रही ना। हम लोग तो 44 साल से कर रहे हैं, तो 44 साल को 44 दिन में जानने के लिए बहुत कम होते हैं। देखिए आने वाले दिनों में क्या और क्या कहेगी वो सुनेगी। देखिए हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग कभी तीखा हमला नहीं करते, कभी लड़ने के मूड में नहीं आते। भाजपा वाले पता नहीं इस बार तो ऐसा लग रहा है कि लड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री पूर्व को FIR दर्ज करा रहे हैं, हमारे अनेक सारे साथियों के प्रति उनने ऐसा व्यवहार किया है कि तुमको IDC की जांच कराएंगे, तुम आ जाओ नहीं तो तुम्हारे खिलाफ अभी जांच शुरू करवाते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित करके ले जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को, मैं ये नहीं कहता कि कुछ देने के लालच में ले जा रहे हैं, मगर ये समझ नहीं आ रहा है कि इतने सारे लोगों को ले जाके करेंगे क्या करेंगे वो। देखिए उनसे गलती हो गई कुछ लोगों से, कुछ लोगों ने लिख के दिया कि हमने आवेश में विद्वेष में एक दूसरे के कहने से ऐसा कहा किया है, और ऐसे समय जबकि लोग भाग भाग के भाजपा में जा रहे हैं, यदि वो कांग्रेस में अपनी गलती को स्वीकार करके आना चाहते हैं तो हमें लेने में कोई गुरेज नहीं है, हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, स्वाभाविक है, इसको मैं भी स्वीकार करता हूँ, इसको भूपेश बघेल जी भी स्वीकार करते हैं, और हमने सार्वजनिक भाषणों में कहा है कि हमसे गलती हुई, मुख्यमंत्री से गलती हुई, मंत्रियों से गलती हुई, कार्यकर्ताओं से भी कुछ गलती हुई, इसी का नतीजा हम लोग भोग रहे हैं कि आज हमारी सरकार नहीं है। नहीं तो जितने काम इस सरकार ने किए हैं, भूपेश बघेल की सरकार ने किया है, उतना काम जमीनी रूप में कोई भी कांग्रेस पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं कर पाया है, ना नहीं कर पाएगा।